देखिए, एक शब्द है अडोर्निंग, आमतौर से बोलचाल में लिखने पढ़ने में प्रयोग होता है। तो इस वीडियो में अडोर्निंग का हिंदी इंग्लिश में क्या अर्थ और मतलब होता है जानेंगे, एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में इस शब्द को यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समझिए शब्द को कि अडोर्निंग जो है मूल रूप से अडोर्न से बना है। अडोर्न वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। अडोर्निंग कॉन्टिन्यूस में जैसे यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म है ये। आईएनजी लगा करके हम इसको जीरंड या पार्टिसिपल बनाते हैं। जीरंड का मतलब होता है हम नाउन बनाते हैं और पार्टिसिपल का मतलब एडजेक्टिव बनाते हैं आईएनजी लगा करके। देखिए, एडॉर्निंग का मतलब होता है एडिंग समथिंग इन ऑर्डर टू मेक अ थिंग मोर अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। मतलब किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु से जोड़ करके सजाने या संवारने का अर्थ या भाव है एडॉर्निंग। कॉन्टिन्यूअस में जब हम प्रयोग करेंगे आई एन जी लगा करके, तो उसका मतलब होगा सजा रहा है, सजा रही है, सजा रहे हैं। और जब जीरण की तरह करेंगे तो सजाना, पार्टिसिपल की तरह करेंगे तो सजाते हुए, सजा करके, सजाने वाला। तो हिंदी में अर्थ हुआ एडोर्निंग का के सजाना, संवारना, अलंकृत करना, आरास्ता करना, विभूषित करना, सुशोभित करना, श्रृंगार करना, आभूषण या सजावट, मतलब एडोर्निंग। इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स आते हैं डेकोरेटिंग, एडोर्नमेंट, ब्यूटीफाइंग, प्रेटिफाइंग, गार्निशिंग, फर्निशिंग एंड एटीसी, मतलब और भी इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में शब्द को यूज करके अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे कि शी वॉज सिटिंग अलोन एट हर ड्रेसिंग टेबल अडोर्निंग हरसेल्फ विथ रोजेस। मतलब वो खुद को गुलाबों के फूलों से सजाते हुए अपनी ड्रेसिंग टेबल के पास अकेली बैठी थी। तो यहाँ पर अडोर्निंग का मतलब सजाते हुए, पार्टिसिपल के तरह प्रयोग हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है कि हर क्लोथिंग इज हर कैरेक्टर एंड हर अडोर्निंग इज हर लुक।